अरे बात करते हैं कैसे वीडियो की जिसे पिछले 3 दिनों से लगातार वायरल कराकर गुजरात में बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 9 जुलाई को ये वीडियो है, 11 जुलाई को ये वायरल हो जाता है। बेरोजगारी पर बड़ा एजेंडा सेट करने की कोशिश होती है। गुजरात मॉडल का नाम लेकर कहा गया कि भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है। हमने इस वीडियो की और इसके जरिए किए जा रहे दावों की पूरी पड़ताल की और हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। हमारी तहकीकात में कैसे वायरल वीडियो के झूठ का पर्दाफाश हुआ और क्या हकीकत सामने आई, आप इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो का पूरा सच देखिए। नौ जुलाई को यह वीडियो गुजरात के भरूच से आया था, जिसमें बड़ी संख्या में कुछ युवा एक रेलिंग के ऊपर चढ़े हुए दिख रहे थे और थोड़ी देर के बाद वो रेलिंग टूट गई और ये युवा नीचे गिर गए। एक इकोसिस्टम ने पूरे देश में ये वीडियो वायरल करवाया और इस वीडियो के बहाने एजेंडा चलाने की कोशिश की। एजेंडा सीधा सीधा मोदी के खिलाफ था, ये दिखाने की कोशिश की गई कि गुजरात में भारी बेरोजगारी है। सीधा टारगेट किया गया नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। जो शब्द नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके एजेंडा चलाया गया, जैसे अमृतकाल की हकीकत, भारत का भविष्य धक्के खा रहा है, बेरोजगारी की बीमारी। दावा किया गया कि पूरे देश में मोदी मॉडल की पोल खुल गई। कहा गया कि गुजरात में सिर्फ अमीरों का भला हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है। एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम लगा हुआ था, गुजरात मॉडल को फर्जी मॉडल बताया गया। देश में बेरोजगारी की असली जड़ भी यही गुजरात मॉडल बताया गया। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई गुजरात के भरूच में बेरोजगारों की भीड़ जमा थी? क्या वाकई भरूच में नौकरी पाने के लिए इतनी भगदड़ मची कि रेलिंग ही टूट गई? क्या वाकई गुजरात में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है? हकीकत क्या है, इसी की पड़ताल आज हम करेंगे। सबसे पहले आप इस विज्ञापन पर नजर डालिए। ये वही विज्ञापन है जिसकी नौकरी के लिए भीड़ जमा हुई थी। 7 जून को यह विज्ञापन गुजरात के अखबारों में छपा था। साफ लिखा है कि 9 जुलाई मंगलवार को एक वॉक इन इंटरव्यू है। जगह है होटल लॉर्ड प्लाजा अंकलेश्वर। अब जरा एक्सपीरियंस यानी अनुभव वाले कॉलम पर नजर डालिए। 6 से 10 साल, 3 से 8 साल, 4 से 8 साल, 3 से 8 साल और 4 से 7 साल, यानी कंपनी में किसी भी फ्रेशर को लेकर हायरिंग नहीं चल रही थी। ये सब के सब एक्सपीरियंस्ड लोग थे, तो इस एजेंडे की पहली पोल तो इसी में खुल गई कि जो युवा यहाँ नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं था। सब के सब पहले से किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। थर्मैक्स केमिकल लिमिटेड में 44 पदों की भर्ती के लिए यह वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया था। इंटरव्यू के लिए कुल 970 उम्मीदवार पहुंच गए और इनमें से 969 उम्मीदवार अनुभवी थे, यानी पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे थे। तो फिर वो बेरोजगार कैसे हुए? यानी ये बात पूरी तरह से झूठी निकली कि ये बेरोजगार उम्मीदवार थे। 2 वर्ष के अनुभव वाले 47 उम्मीदवार थे, 2 से 4 साल के अनुभव वाले 175 उम्मीदवार थे, 4 से 6 वर्ष का अनुभव रखने वाले 301 उम्मीदवार थे, 8 साल के अनुभव वाले 189, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले 142 और 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले 115 उम्मीदवार थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 970 में से 969 उम्मीदवार 969 उम्मीदवार पूरी तरह अनुभवी थे, जिनके पास 2 साल से लेकर के 10 साल से ज्यादा तक का अनुभव था। इसका मतलब साफ है कि ये जो उम्मीदवार हैं ये बेरोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और आगे प्रगति के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए दूसरी जगह इन्होंने अप्लाई किया था। जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें से इन 969 उम्मीदवारों में से 301 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास 4 से 6 साल का अनुभव है। सबसे कम 47 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास 0 से 2 साल का अनुभव है और करीब 115 उम्मीदवार इनमें ऐसे थे जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो उम्मीदवार वहां पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए
वो सारे के सारे अनुभवी थे। यानी ये बात सही है कि सिर्फ 44 पोजीशंस के लिए 970 लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए, लेकिन ये सारे के सारे पहले से कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे। अपने बेहतर भविष्य या बेहतर सैलरी के लिए वो आ गए। मामला बेरोजगारी का नहीं, मिसमैनेजमेंट का है। खुद कंपनी भी स्वीकार कर रही है कि उसे इतने लोगों के आने का अंदाजा नहीं था। उसे उम्मीद थी कि 400 से 500 लोग ही आएंगे। सोशल मीडिया में हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो मिस मैनेजमेंट हुआ, मेरा बोलना कि मिस मैनेजमेंट नहीं है। ये हमने जो हमारा एक्सपेंशन एक्चुअली चल रहा है जगड़िया में, उसके लिए हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू एड दिया था, एडवर्टीजमेंट दिया था 7 जुलाई को, और 9 जुलाई को हमने ऑर्गेनाइज किया था इंटरव्यू, और कुछ हमने सोशल ग्रुप में जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, हमने उसमें भी सर्कुलेट किया था। तो शायद मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को ये एडवर्टीजमेंट जो है रीच हुई, काफ़ी लोग आए उसमें, और काफ़ी लोग हम इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे करीब 400-500 के आसपास लोग आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने किया था जिसमें 450-450 लोग आए थे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन वही था कि 400-500 आएंगे, बट दिस टाइम लोग काफ़ी आए। करीब में मेरे मानने में आता है कि 970 के आसपास लोग आए थे। आपने भी वायरल भी देखा होगा वीडियो जो 23-24 सेकंड का होगा, एक्चुअली वो 15-20 मिनट का थोड़ा भीड़ इकट्ठा हुई थी, बट हमारे होटल जो जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था इंटरव्यू, उनके होटल के स्टाफ और हमारी जो हमारी कंपनी के जो स्टाफ हैं, उन्होंने पूरा ये इसको मैनेज किया और ये भीड़ जो थी उसको शांत किया। अब ये साफ है कि 9 जुलाई के इस वीडियो को 11 जुलाई को वायरल कराने का मकसद ही नरेंद्र मोदी की बदनामी करना था। इसीलिए मोदी विरोधियों ने गुजरात मॉडल या मोदी का गुजरात मॉडल जैसे शब्दों का चुनाव किया। तो इन विरोधियों को एक और हकीकत देखनी चाहिए। जिस भरूच में यह घटना हुई, वहां रोजगार की क्या स्थिति है, ये देख लीजिए। गुजरात के भरूच जिले में 13 GIDC हैं। इन GIDC में 500 से अधिक बड़े उद्योग, 700 से अधिक मध्यम उद्योग और लगभग 45,000 MSME इकाइयां हैं, और इन इकाइयों में करीब 4 लाख लोग काम करते हैं। इस भरूच जिले में दिन ब दिन उद्योग धंधे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये भरूच जिले के अखबारों में पिछले कुछ दिनों में छपे हुए विज्ञापन हैं। इन अखबारों में जॉब इंटरव्यू के विज्ञापन छपे हैं। ये विज्ञापन बता रहे हैं कि भरूच में रोजगार के बेहतर अवसर हैं। इसका मतलब कम से कम भरूच में तो जॉब की कहीं कोई कमी नहीं है। भरूच की औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से युवा आते हैं। पिछले 3 महीने में ही भरूच जिले में 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। कुल मिलाकर के पड़ताल में एक बात बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जिस प्रकार से इस पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह जो तथ्यहीन बातें थी वो प्रसारित की गई, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस पूरी घटना का सत्य क्या है। और साथ में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि इस कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनसे बात करने पे पता चला है कि अभी आने वाले दिनों में वो और इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाले हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि बेरोजगारी की समस्या को केंद्र बिंदु में रख करके गुजरात की सरकार को जिस तरह से टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है इस पूरी पड़ताल में कि वो मैलाफाइट इंटेंशन से किया गया था। लेकिन इसके बाद भी एक इकोसिस्टम पूरे एजेंडे के साथ गुजरात को, गुजरात मॉडल को और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए इस तरह का एजेंडा चला देता है। जो नहीं भी होता है उसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे सच्चाई यही हो। ये हम बहुत सारे वायरल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अनएम्प्लॉयमेंट है और ये है करके, बट मेरा मानना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, हमने एक्सपीरियंस, ये पोजीशन जो थी सब एक्सपीरियंस लोगों के लिए पोजीशन थी ये, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है। तो हमने पेपर में जैसे ही ऐड दिया था, एक्सपीरियंस मांगा था, तो सामने से सारे लोग एक्सपीरियंस पर्सन ही आए थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई फ्रेशर है, अनएम्प्लॉयड है, अच्छी अच्छी कंपनी से लोग आके काम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए थे उस दिन। सो ये गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे और इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, मेरे मानने में तो ये नहीं आता। मैं इसको इनकरेज नहीं करूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे कंपनी वॉक इन करने से पहले 2 बार सोचेगी, वो थोड़ा गलत रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम की तरफ से एक और झूठ ये फैलाया गया
कि यहां एक होटल की नौकरी के लिए लोगों की लाइन लगी थी, जबकि हकीकत यह है कि एक केमिकल फैक्ट्री के वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये युवा पहुंचे थे। अब अंकलेश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल ने भरूच के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है और ये शिकायत की है कि उनके होटल को बदनाम करने की कोशिश की गई। होटल की तरफ से मांग की गई है कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी यह भी तथ्य नहीं जांचा गया कि इंटरव्यू किसका था, कौन सी कंपनी करवा रही थी। होटल से वीडियो आया तो उड़ा दिया कि होटल की नौकरी के लिए इंटरव्यू हो रहा था। इसी से पता चलता है कि इकोसिस्टम के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे।